Hey guys, welcome to Namrata's Kitchen and Vlogs. आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इजी पानी पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं लुम्बना, उन्होंने डिमांड किया हुआ था और मैं इसे बनाने के लिए काफ़ी लेट हो गई. सॉरी लुम्बना, मेरा बहुत सारा काम अटका हुआ था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई. आज मैं आपकी रेसिपी लेकर आई हूँ. तो इसमें मैंने होल व्हीट फ्लावर से ही ये रेसिपी बनाई है और मैंने दो तरीके के पानी पूरी के लिए पानी बनाकर भी बताया हुआ है, जो कि आप ज़रूर देखिए. तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं. इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ गेहूं आटे का यूज़ किया है और उसे मैंने अच्छे से छानकर एक बाउल में ले लिया है. उसमें मैं आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ. उसके बाद मैं इसमें लगभग 20 ml के बराबर तेल डाल रही हूँ. आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैं इसमें लगभग 4 छोटा चम्मच दही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम इसमें कोई भी मैदा या फिर सूजी वगैरह नहीं मिला रहे हैं, इसलिए आपको दही का भी यूज़ करना है इसमें. अब इन सभी चीज़ों को आप मिक्स करते हुए एक थोड़ा सा टाइट डो तैयार कर लीजिएगा. डो बिल्कुल भी सॉफ्ट तो नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए. जब आप इस डो को तैयार कर लेंगे, तब आप इसे 15 से 20 मिनट तक कवर करके रख दीजिए और आप इसे गीले कपड़े से कवर कीजिएगा जिससे सूखे ना. अब जब तक हमारा डो सेट होने के लिए रखा हुआ है, तब तक हम इसके लिए पानी तैयार कर लेते हैं. उसके लिए मैंने सबसे पहले इमली पानी तैयार किया हुआ है, जिसके लिए मैंने इमली को 1 से 2 घंटे के लिए भिगा दिया था. उसके बाद उसे अच्छे से मैश करते हुए पानी मिक्स करके उसे छानकर अलग से रख लिया है. उसके बाद मैं इसमें लगभग आधा चम्मच चाट मसाला ऐड कर रही हूँ. उसके बाद मैं इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ. फिर मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ऐड कर सकते हैं. और मैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी डालकर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ. अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा साथ में पानी भी मिला दे रही हूँ. अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये पहला पानी पूरी का पानी बनकर कम्प्लीटली रेडी है. ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा जब भी आप पानी पूरी बनाएंगे तो. अब मैं दूसरे पानी पूरी के मेथड की ओर चलती हूँ. सेकेंड मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप सभी से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कुछ लोगों ने तो इसे ट्राई भी किया हुआ होगा. ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है. तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, लगभग 1 कप. उसके बाद मैं इसमें जलजीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ. मैंने एवरेस्ट का जलजीरा पाउडर यूज़ किया है, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं. मैंने 1 से 1.5 कप पानी लिया हुआ है, उसमें लगभग 1.5 चम्मच के आसपास मैंने जलजीरा पाउडर डाला है. उसके बाद ये अच्छा दिखे इसीलिए मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ. ये टोटली ऑप्शनल है, अगर चाहे तो आप ऐड करें वरना ना डालें. ये दिखने में इससे बहुत ही अच्छा लगेगा. थोड़ा सा और जलजीरा पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिससे ये इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा. तो गाइज बस इतना ही था, ये हमारा सेकेंड पानी पूरी का पानी बनकर कम्प्लीटली रेडी है. अब हमारे पानी पूरी का पानी तो बनकर कम्प्लीटली रेडी है, अब हम उसका मसाला भी बना लेते हैं. इसके लिए मैंने सबसे पहले आलू को उबालकर उसे अच्छे से मैश कर लिया है और उसके साथ ही मैंने चने को और ये फ्रोज़न मटर लिया हुआ था उसे भी उसके साथ में बॉईल कर लिया है और उसको इसमें ऐड कर दी मैं. उसके बाद मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ. फिर मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा मिर्च ऐड कर रही हूँ और बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ. अब हम सबसे पहले इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, उसके बाद नमक, फिर मिर्च, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल रही हूँ. उसके बाद लास्ट में मैं इसमें लेमन डाल के इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी. आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा. तो अब हमारा पानी पूरी का मसाला भी बनकर कम्प्लीटली रेडी है. हमने जो आटा गूंथ कर रखा था, अब उसे लगभग आधा घंटा हो रहा है रखे हुए. आप उसे 15 से 20 मिनट भी रखेंगे तो भी चलेगा, मैंने लगभग आधा घंटा इसे कवर करके रखा था. उसके बाद इसे एक बार फिर अच्छे से हम और गूंथ लेंगे. आप देख सकते हैं ये इस तरीके से होना चाहिए. अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर इसकी पूरियां बेल लेंगे. कुछ इस तरीके से बेलेंगे,
इसे ना ही हमको बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। अब कुछ इस तरीके से हम इसे राउंड शेप में बेल लेंगे। और जितनी लोइयाँ आप बना रहे हैं, आप चाहें तो उसमें ऑयल भी लगा कर रख सकते हैं, जिससे वो एक दूसरे से ना चिपके और ज़्यादा ड्राई भी ना हो। तो मैं इसी तरीके से सारी पूरियों को मैंने बेल लिया था। कई लोग पूरियों को बेल कर काफ़ी टाइम तक रख लेते हैं, उसके बाद उसे तलते हैं, लेकिन मैं तुरंत ही इसे बेल कर तुरंत ही इसे सेक लेना पसंद करती हूँ, तल लेना पसंद करती हूँ। इस समय मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ले ली थी। आप भी चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। अब मैंने पूरियों को बेल लिया है, लगभग 5 से 6 पूरियों को बेल लिया है। और उसके बाद उसी समय मैंने गैस पे ऑयल को गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था, और ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा इस समय गर्म हो चुकी है। अब हम इसी में हाई फ्लेम पर सारी पूरियों को तलते जाएंगे। और जैसे ही हम पूरियों को कढ़ाई में डालेंगे, वैसे ही हमें उसे हल्के से प्रेस करते जाना है, जिससे वो अच्छे से फूलने लगेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसा ही मैंने इसे तेल में ऐड किया है और ये तुरंत ही फूलने लग गई हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी बना हुआ है। आप सभी देख सकते हैं, ये पूरियाँ एकदम परफेक्टली मार्केट वाली पानी पूरी की तरह ही लग रही है और अच्छे से फूल भी रही हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छे से इस तरीके से बनती हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी अपनी जो पानी पूरियों की पूरियां हैं उसे तल लूँगी। अब सभी पूरियों को तलने के बाद अब हम चलते हैं इसे सर्व करने की ओर। तो जैसा कि आप सभी ने पहले देखा, मैंने एक जलजीरा पानी बनाया हुआ है और दूसरा एक इमली पानी बनाया हुआ है, और मसाला भी पहले से रेडी कर रख लिया है। गाइस, अगर आपने पानी पूरी इस मेथड से एक बार बना लिया तो मार्केट से पानी पूरी खाना तो भूल ही जाएंगे, और आप घर में बार बार बनाकर इसे खाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसे घर में तैयार कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। अब हम पूरियों को इस तरीके से बीच से होल कर लेंगे इसमें। उसके बाद इसमें सबसे पहले मसाले को डाल देंगे, फिर आपको जो भी पानी इसके साथ खानी है वो आप इसमें फील कर दीजिए, फिर आप इसे इंजॉय कीजिए। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।